और बड़ी खबर, ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। ईरान की तरफ से इसराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी गई हैं। इससे पश्चिमी एशिया में तनाव काफी बढ़ गया है। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हमले के बाद ईरान ने कहा कि नसरुल्लाह की शहादत का ये पहला बदला है। ये तो अभी शुरुआत है। इस बीच इसराइल में बिगड़ते हालातों को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसराइल में भारत के दूतावास ने अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि स्थानीय प्रशासन के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि सावधान रहें, बिना जरूरत की यात्रा ना करें और सेफ्टी शेल्टर के नजदीक रहें। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। जब ये अटैक किया गया उस दौरान की तस्वीर आप देखिए, 200 मिसाइलें एक साथ दागी गईं। ईरान ने ये अब तक का सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए अटैक किया है और कहा है कि ये तो अभी पहला बदला है। इसराइल में बिगड़ते हालातों को देखते हुए भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसराइल के तेल अवीव की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पश्चिम एशिया में तनाव इसके बाद काफी बढ़ गया है। ईरान की तरफ से इसराइल पर एक साथ करीब 200 मिसाइलें दागी गई हैं। हमले के बाद ईरान ने कहा है कि नसरुल्लाह की शहादत का अभी तो ये पहला बदला है। ये कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं। देर रात इसराइल पर हुए हमले से जुड़ी ये 8 तस्वीरें हैं। ईरान की तरफ से तेल अवीव पर एक के बाद एक मिसाइलों की बौछार कर दी गई। वहां पर हड़कंप मच गया। पूरे इसराइल में हवाई हमले का सायरन बजने लगा। इजरायली नागरिकों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया। ईरान के मिसाइल अटैक में कई इमारतों और स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना के मुताबिक इस हमले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। और इस बीच बड़ी खबर ये कि इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने पश्चिम में मौजूद अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। अमेरिका ने सैनिकों से कहा है कि वो इसराइल की मदद करें। इसराइल की मदद के लिए किसी भी वक्त अमेरिकी सेना यहां पर पहुंच सकती है। הכל נופל לנבטים, אני אומר לך מתקפה אחת החזקות. אימאלה, 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 זהו, למקלט. נפילות, אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים, אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 וואו. וואו. הכל נופל לנבטים, אני אומר לך מתקפה אחת החזקות. אימאלה, 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 זהו, למקלט. נפילות, אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים, אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 וואו. וואו. पश्चिम एशिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुल चुका है। ईरान ने इसराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है, तो इसराइल ने भी साफ कर दिया है कि वो हमले का बदला लेकर ही रहेगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें इसराइल और ईरान के बीच हालात पर चर्चा होगी। हमास ने ईरान पर इसराइल के हमले का समर्थन किया है और ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान पर अटैक के बाद की यूएन में आपात बैठक। इजराइल बड़ा बदला लेगा और इजराइल के साथ अब अमेरिका भी है। ईरान इजराइल युद्ध पर बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका, ये कहना है बाइडेन का। और इजराइल पर ईरान का हमला फेल था, ये भी बाइडेन की ओर से कहा गया है। तो जो बाइडेन की ओर से ये कहा गया है कि इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका। The United States military actively supported the defense of Israel.
and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully, fully, fully supportive of Israel. ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। ईरान की तरफ से इसराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी गई हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव काफी बढ़ गया है। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, तेल अवीव पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला। ईरान ने तेल अवीव पर आसमान से बरसाए बारूद। ईरान ने इसराइल पर करीबन 200 मिसाइलों से हमला किया। आसमान से एक के बाद एक ईरान की मिसाइलें इसराइल की धरती पर बारूद बरसाती रही और रात के अंधेरे में वहां तेज धमाके होते रहे। ईरान ने चुन चुन कर इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया, तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले किए और दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माने जाने वाली मोसाद के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने का दावा किया। ईरान का ये भी दावा है कि उसने इसराइल के परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान ने इसराइल पर इतनी मिसाइलें बरसाई जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इसराइल पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ईरान को सख्त चेतावनी दी। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה ערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. नेतन्याहू ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, यानी साफ है कि हमले का बदला लेने के लिए इसराइल भी ईरान पर बड़ा हमला करेगा। इसराइल की सेना ने भी साफ कर दिया कि हमला कहां होगा, इसका फैसला इसराइल करेगा। एक दिन पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने ईरान के शासन की आलोचना की थी। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि इसराइल अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए कहीं भी जा सकता है। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. और नेतन्याहू के संबोधन के 24 घंटे पूरा होते ही ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी, जिसके बाद पूरे इसराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, जिसके बाद इजरायली सेना ने तुरंत सभी लोगों को बम शेल्टर में भेजने का दावा किया। हालांकि इस हमले में इसराइल को ज्यादा नुकसान होने की खबर नहीं है, इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि ईरान ने यह हमला सिर्फ अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए किया था। ईरान की तरफ से मिसाइलों की बौछार के बाद इसराइल में सायरन बजने लगे और इसके बाद लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कह दिया गया। तेल अवीव में बंकर में छिपे इसराइली और भारतीय समुदाय के लोगों की भी कई तस्वीरें सामने आई हैं। तो ईरान का इसराइल पर सबसे बड़ा हमला, बंकर में छिपे हुए लोग भी आप देख सकते हैं। जैसे ही यह अटैक हुआ, इसराइल में सायरन बजने लगे। ईरान की तरफ से मिसाइलों की बौछार के बाद लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कह दिया गया। तेल अवीव में बंकर में छिपे हुए कुछ इसराइली और भारतीय समुदाय के लोगों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो
Yeah. Not worry, just we need to take a photo.